तो दोस्तों, भारतीय कंपनी की अब यहाँ पर एक काफी बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमने मोसाम्बिक्यू को काफी लोकोमोटिव्स एक्सपोर्ट किए थे पहले, और उसमें से अब दो डीजल लोकोमोटिव्स के टर्बो फेल हो गए। ये अब एक काफी चौंकाने वाली खबर है। सोर्सेस द्वारा बताया जा रहा है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव द्वारा ये जो डीजल इंजन हमने एक्सपोर्ट किए थे मोजाम्बिक्यू को, इसमें बताया जा रहा है कि टेक्निकल स्नैग्स निकल कर आ चुके हैं, जिसके चलते ये पूरा टर्बो फेल हो गया। इसके साथ ही एक और डीजल लोकोमोटिव मोजाम्बिक्यू को एक्सपोर्ट होने ही वाला था कि फैक्ट्री में जब ट्रायल टेस्ट किया जा रहा था, उस दौरान इसका भी टर्बो प्रॉब्लम निकल कर सामने आ गया। और ये जितने भी टर्बो चार्जर्स है, सब मेड इन इंडिया है, सब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाया जा रहा है। वैसे ये सब जो है वो सप्लाई करती है राइट्स, जो कि रेलवे की PSU है। अब मोजाम्बिक्यू में हमारे दो लोकोमोटिव थोड़ा फेल हो गए, ये बात एक बार के लिए ठीक थी, लेकिन इसके वजह से हमारे फ्यूचर एक्सपोर्ट शेड्यूल भी काफी हद तक अफेक्टेड हो चुके हैं। बिकॉज यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नेबरिंग कंट्री है जिम्बाब्वे, उसने भी अब इस इंसिडेंट के बाद अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसे स्लो डाउन कर दिया। वैसे सोर्सेस ने यह भी बताया कि मोजाम्बिक को भारतीय रेलवे कुल 8 डीजल लोकोमोटिव सप्लाई करने वाली थी, जिसमें से 4 तो हमने ऑलरेडी भेज दिए है, 2 काफी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, लेकिन ये 2 में प्रॉब्लम निकल कर आ गई, और 5वां लोकोमोटिव भी हम भेजने वाले ही थे कि उसमें भी प्रॉब्लम निकल कर आ गई टर्बो चार्जर्स को लेकर। हावेवर अब यहाँ पर राइट्स का ऐसा कहना है कि मोजाम्बिक को जिस तरह के कस्टमाइज लोकोमोटिव चाहिए थे, एज पर रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मॉडिफाई किया, और ये जो अब टर्बो चार्जर को लेकर इतना बड़ा गंभीर समस्या निकल कर आ रही है, इसकी फिलहाल अब ये जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद ही अब आगे के लोकोमोटिव इन्हें एक्सपोर्ट किए जाएंगे। वैसे अब कॉस्ट की बात करें तो ये जो टर्बो चार्जर है, इसकी कॉस्ट पड़ती है लगभग 50 से लेके 70 या 80 लाख के बीच में, और वहीं पूरे लोकोमोटिव की कॉस्ट ही है आराम से 13 to 14 करोड़ रुपीस। तो आप सोच सकते हो कि इसमें टर्बो चार्जर काफी अहम रोल प्ले करता है और इसकी रिलायबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।